इस वक्त मैं भरौठी गांव के वार्ड नंबर 1 में हूँ, खिरका मोहल्ला में। यहाँ पर पानी की समस्या को लेकर एक वीडियो बनाया गया था और उस वीडियो के माध्यम से जो बदलाव आया है, आइए हम यहाँ के समुदाय से बात करते हैं, ये बदलाव कैसे आया, आपने क्या किया था तब ये बदलाव आया है? सरोज दीदी को बुलाए थे, उससे वीडियो बनवाए थे, वो आगे अधिकारी पास भेजे, जब वे पानी आने की सब चीज सब समय से हल हुआ है। अब आपको कैसा लग रहा है? अब हमको अच्छा लग रहा है, पानी आने लगे था वार्ड 1 नंबर में। पहले कहाँ से पानी लाते थे? कहाँ से लाते थे, या नल झाँकन व घटिया उतर के जात रहा नदिया में पानी की लाई। अब कोई परेशानी? अब नहीं है परेशान कोई, पानी घर में आने लगे। इस समस्या को हल करने में जो लोग मदद किए हैं उनको आप क्या कहना चाहती हैं? धन्यवाद कहना चाहते हैं जो हमारी समस्या के हल कराए हैं। यहाँ पर पहले क्या समस्या थी और फिर उस समस्या का समाधान कैसे हुआ, उसके बारे में बताइए। समस्या पहले पाइपलाइन में चैम्बर एम्बर भी नहीं बना था, फिर इसके बाद हमने सरोज भाई परस्ते को भी बुलवाए, सूचना दिए तो दौड़ के आए, फिर अपने माध्यम से उसने वीडियो बनवाया, वीडियो बनवा के और जाके वहाँ समान सभा की बैठक में अपने जो समस्या है वहाँ जाके वो बताए, फिर वो उसके माध्यम से ठेकेदार या मिस्त्री लोग आए वहाँ से, तो फिर ये सुधार किए तो हमको पानी मिलने लगा। 1 नंबर वार्ड है, इस मोहल्ला में पानी 6 बजे खोलता है, 10 मिनट में पूरा पब्लिक को पानी पर्याप्त मिलता है। अब आपको कैसा लग रहा है पानी मिलने लगा तो सभी लड़की बेटियों को सुविधा है, कहीं तालाब जाने को नहीं पड़ता, नदी जाने को नहीं पड़ता, कुआं जाने को नहीं पड़ता, उनके कारनामा को देखते हुए उनको हम धन्यवाद चाहते हैं और सोचते हैं कि भी कोई भी समस्या आए तो हमेशा इसी तरह मदद करते रहना। मैम जी, आपको उस समस्या के बारे में कैसे पता चला था? मेरे यहाँ की जनपद सदस्य सरोज परस्ते, जो पूर्व में सरपंच थी और अभी वर्तमान में जनपद सदस्य है, उनके माध्यम से मुझे वीडियो मिला। मैंने वीडियो देखा, जो गांव की परेशानी थी वो हल हो चुकी है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और मैं सरोज परस्ते जी को धन्यवाद देती हूँ जो इस तरह की समस्याओं से हमें अवगत कराती हैं और खुद भी समस्या का निराकरण करती हैं। मैंने 5 सितंबर 2022 को भरौठी माल वार्ड क्रमांक 1 में पानी सप्लाई चालू करने एवं टंकी निर्माण की मांग को लेकर एक समस्या वीडियो बनाया था और बदलाव के लिए प्रयास किया, जिसमें गोवा टीम के साथियों के द्वारा इस बदलाव को लाने में मेरी मदद की, साथ ही ब्लॉक अध्यक्ष एवं अधिकारियों के बीच समान सभा की बैठक में हमने 2-3 बार इस समस्या को रखा, जिसमें आगे कार्यवाही हुई और टंकी निर्माण कार्य पूर्ण कर नया पाइपलाइन डाला गया है एवं घर घर नल कनेक्शन दिया गया। अब वार्ड क्रमांक 1 के 60 परिवारों को फायदा हुआ, साथ ही टंकी बनने से यहां के कुल 700 लोगों को इसका फायदा मिला है। मैं सरोज परस्ते, ग्राम भरौठी माल, विकास खंड सहपुरा, जिला डिंडौरी, मध्य प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।